ये आदमी काम कर सकता है लेकिन इसके पास काम नहीं है, तो ही वॉन्ट हेल्प हिम अंटिल अनलेस दैट पर्सन उसको उनको ऐसा बोले कि सर आप ही हो, आप ही भगवान हो, आप ही हो, लल्लो चप्पो वाला पागल हो गया यार, जेजूरी टाइप चाटने वाली, अरे कौन करता है, तो मैं काम ही तो करवाना है, तुम उसके बदले पैसे नहीं दोगे क्या? ये तो है ही यहाँ पे, काम भी करवा लो, लल्लो चप्पो भी करवा लो, हेंचो, और उसके बाद गाली भी देंगे भोड़ी का कि हेंचो ढंग से काम नहीं होता। इंडिया नहीं है ये, ना नॉर्थ का स्टाइल है। मैंने एक चीज़ देखी है, ईस्ट वेस्ट और साउथ, ये लोग ना बहुत सलीके और एटिकेट से चलते हैं। इफ इट इज यस देन यस, नो देन नो, एंड इफ इट इज यस देन वाई यस, इफ इट इज नो देन वाई नो, एक वैलिड रीजन आपको समझाया जाएगा। नॉर्थ में ना आपको टाला जाता है, ठीक है, आपको बोलेंगे यार ये काम है, हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, आओ, आएगा, अच्छा इसमें ये है, ये है, ये है, ऐसे है, ये काम वहाँ से होगा, ये काम वहाँ से होगा, अरे बहन जो तूने बुलाया क्यों, तू तो कहता काम हो जाएगा, मैं तो अब तूने चार दिन वेस्ट कर दिए कि ये वहाँ से होगा, ये वहाँ से होगा, वो भी तुम्हें ही फॉलो अप लेना है, वो भी नहीं लेगा, मतलब इस चीज़ों का वो यार सब वही है भाई, चापलूसी 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 करो यार, नौकरी में आगे बढ़ते कैसे बंदे, मतलब प्रमोशन उसी वजह से होती है, मेरे पापा की प्रमोशन इतनी रुकी क्यों, अगर उनके प्रमोशन रखे हुए थे आज अच्छी खासे पोजीशन में वो पहुँच गए होते, उनके प्रमोशन बहुत डिले से हुई है, हर 5-6 साल के बाद, वो सही को सही करते हैं बस, और उन्हीं के साथ के बंदे भाई हर 2 साल में प्रमोशन लेना, और उनका ये बेनिफिट था अपने मन चाहे लोकेशन में ले लेते हैं वो ट्रांसफर, मेरा घर यहाँ पे वहाँ ट्रांसफर मामले ले लिए, और उसके लिए तुम कैसे करोगे कॉन्टैक्ट बॉस है तुम्हारा, बॉस तो जाकर बोलो सर जी ऐसा ऐसा भाई, खाना पीना लाना ये वो मिठाई डब्बा वगैरह, पता नहीं बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए ये हो, अपने बच्चों के लिए नहीं होता है इतना, दूसरे के बच्चों के लिए जो कपड़े ला ये ला, 5-6 महीने 1 साल पूरे मस्त से कराएंगे, उसके बाद आया जब एक टाइम में थोड़ा मारते थे सर जी थोड़ा देख लो बाहर बच्चे वाले आ रहे हैं सीआर के टाइम पे, और बच्चे की बड़ी तबीयत खराब हो रही है, थोड़ा देख लो अगर हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, बीवी की भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो अकेले रहते हैं घर में कोई टेक केयर वाला नहीं है, थोड़ा कर दो मैच हो, घर के बगल में रहे क्या दिक्कत है, ना खाने का टेंशन ना रहने का टेंशन, और लोकल में जो टेंडर उठा हुआ अपना ही लोकल बंदे पहचान में होते हैं, बताया चलो जी मुरली जी तो है ही इस पोजीशन में, और वहाँ पे रेलवे की टेंडर निकलती है, मेरे पापा अकाउंटिंग में थे, वो क्या है जो रेलवे जो होती है ना रेलवे की पटरी बिछेगी तो उसकी प्रोजेक्शन बनाई जाती थी, इतने किलोमीटर की जो पटरी बनेगी उसकी टोटल हमारी इनिशियल कॉस्ट रफ एंड रफ कॉस्ट निकाली जाती है, उसके बाद वो एवेल्युएट की जाती थी कौन से जगह से, हम जैसे आयरन है, अगर आयरन तुम विलाई से मंगाओगे तो आपको अराउंड 100 रुपये का डिफरेंस पड़ेगा, सेम चीज़ अगर आप गुजरात से मंगाओगे तो वो थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, तो उसी के हिसाब से लोकेशन के हिसाब से देखते थे कि अगर रेलवे अगर गुजरात में बन रहा है तो अगर आप विलाई से मंगाओगे झारखंड से मंगाओगे तो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिला के वही हो जाता है, तो वो सब वैल्यूएशन बना के वो निकाल देते हैं, हाँ इतनी प्रोजेक्शन बनेगी, और इसी के साथ टेंडर ऑक्शन में लगा जाता है, जब भी ऑक्शन स्टार्ट होता था भाई उसके बाद देखना उसके एक हफ्ते तक हर दिन कोई ना कोई ये लेके आ गया, ये गिफ्ट लेके आ गया, ये लेके आ गया, वो लेके आ गया, एक बंदे ने तो क्या बोलते हैं हीरो होंडा की जो बाइक है ना स्प्लेंडर लेके आ गया था पापा के बोलते बोले हाँ टेंडर के लिए, इन्हीं के पास होती है प्रोजेक्शन बना के बिल आगे फॉरवर्ड कराते हैं, स्प्लेंडर लेके आ गया, बोला सर ये स्प्लेंडर है, तो आप आते हो गाड़ी वाड़ी, पापा का ऑलरेडी गाड़ी था, और एक्चुअली वो 80s की बात बता रहा हूँ, 80-85 की बात बता रहा हूँ, तब नए नए मतलब तब तो उनका हो गया था 10-12 साल हो गया था, 10 साल के पास हो गया था, हाँ तो नहीं 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 ये स्प्लेंडर 90 की बात कर रहा हूँ, 96 में 85 में जो था 85 का, तो उस टाइम क्या होता था, उस टाइम पैसे नहीं लाते थे, वो क्या लाते थे वो जो क्या बोलते प्लॉट होती थी ना प्लॉट ला के देते थे, हाँ जैसे ये जमीन है ये यहाँ पर रेलवे जाने वाली है, तो उनको पता है इस रेलवे की जो पटरी बनेगी इसके साइड में इनकी ज़मीनें हैं, तो उनको पता है कि भाई मेरी ज़मीन के अंदर रेलवे जाने वाली है, तो क्या करें वो आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, कि अगर मुझे पूरा ये 10 किलोमीटर रोड अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया मैं अपनी ज़मीन पे भी बना, फिर दूसरा का भी कॉन्ट्रैक्ट मिल गया अपना वैल्यू बन जाता था, वो ये क्या करते थे आते थे ज़मीन ज़मीन देने के लिए, बोलते सर जी देखो ये रेलवे जो बन रहा है इसके साइड में कितना टाइम लगेगा, ये साइकिल करते कहाँ जा रही है, ये लेवल तक जाते हैं साइकिलिंग करके जाते हैं फर्स्ट गियर में, हाँ यही जाते हैं भाई ये साइकिल में करते साइकिलिंग करते हैं, तो वहीं पे वो भाई जमीन देते थे कि सर जी
जो जमीन है रेलवे बन रही है बढ़िया आगे कमर्शियल होगा देख लो, और मांगेंगे नहीं कि हम कॉन्ट्रैक्ट के लिए दे रहे हैं, पापा सीधा इधर गाली देते देख लो भैया वहाँ से। धीरे धीरे उसके बाद धीरे धीरे 90s में स्टार्ट हुआ स्प्लेंडर देना, 95-96 में स्प्लेंडर स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद 2000 के बाद से गाड़ियाँ स्टार्ट हुई फोर व्हीलर देना स्टार्ट कर दिया। जो घूस होती है ना वो पोजीशन बेस्ड होती है, आपके यहाँ पोजीशन ढक गया ना तो आपका अगर आपने एक बार घूस ले लिया ना घूस की रकम आपकी बढ़ती रहेगी और आपकी लालच इतनी बढ़ जाएगी ना, जैसे सपोज मैंने 1,00,000 घूस से स्टार्ट किया सब सही चला और टेंडर तो रेगुलर पास होते रहते हैं, 1,00,000 लिया 10,00,000 लिया 20,00,000 लिया 1,00,000 लिया 10,00,000 लिया, उसके बाद जितनी बड़ी रकम आप उठाने लग जाते हो ना आप आ जाते हो हाईलाइट, ये होती है। उसके बाद क्या उनकी ग्रीड इतनी बढ़ जाती है बंदा रोक नहीं पाता अपने आप को, जो पकड़े जाते हैं क्या करते हैं इसी वजह पकड़े जाते हैं, उनको पता है कि मैं रेलवे के अगर एक टेंडर पास करूंगा, जो उनके पास 5 टेंडर होते हैं 5 से 6 टेंडर के पास पास करना होता है, तो अगर एक टेंडर पास करें उनको 1,00,000 रुपये मिल रहा है तो दूसरा बंदा देखेंगे भाई जो 1,00,000 रुपये मिल गया दूसरे बंदे आ जाते हैं, क्योंकि टेंडर की वैल्यू मिनिमम 50-50, 60-60 करोड़ की होती है मिनिमम, तो अगर 50 करोड़ में अगर 1 करोड़ भी दे देंगे ना फिर भी उनके पास 49 करोड़ के हैं, उसमें वो अपना बनाएंगे खाएंगे वो अलग है, 1-1, 2-2 करोड़ की भाई घूस देते हैं, और कभी कभी तो भैया आधा 50% भी घूस चल जाता है, 50-60 करोड़ की टेंडर है ना तो अगर पूरे ऊपर तक अगर मिली भगत है पूरे ऊपर तक अगर मिले हुए हैं और पार्टी अराउंड 20-25 बंदों को खिलानी है तो वो रकम हो जाती है अगर 50 करोड़ की ना 25 करोड़ की घूस में चले जाते हैं, परसेंटेज के ऊपर होता है कि सबसे बड़ा बॉस जो होता है वो परसेंटेज लेगा टोटल घूस का 20%, फिर आएगा 10, 5, 2, 3 ऐसे परसेंटेज हो जाते हैं उसी के हिसाब से होता है, और जो सबसे बड़ा वाला होता है ना जो 25-20% लेता है वो क्या करता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है पुलिस वालों की जो भी है, तभी आरपीए वाले होते हैं ना पुलिस की जॉब की इतना डिमांड है भाई, रेलवे पुलिस वालों का क्या होता है, रेलवे पुलिस वाले तो ये करते हैं मिली होती है उनके साथ टीटीपीटी लोगों के साथ मिला होता है उनका भाई, रेलवे एसजी है ना अगर ढंग के पोजीशन में तुम हो ना ऐसे ऐसे नोट छपोगे तुम्हारे चिप पर, मेरे पापा के बंदे ने नौकरी टीटी में ज्वाइन किया पापा और उनके दोनों सेम पोस्ट में अकाउंटिंग में हुई थी, बट उन्होंने देखा अकाउंटिंग में इतनी ज़्यादा इनकम नहीं है तो उन्होंने मूव करा के अपने जो डिपार्टमेंट टीटी में कर लिया भाई साहब 20 साल में उन्होंने टोटल 18 प्रॉपर्टी बनाए हर सिटी में, जोन जोन से सिटी में भाई हर सिटी में उन्होंने प्लॉट लिए भाई, प्रॉपर्टी मतलब अपार्टमेंट नहीं प्लॉट बाकायदा प्लॉट बनाए सोच, और उनके दोनों बच्चे यूएस में पढ़ाई कर रहे हैं अभी यूएस में पढ़ाई कर रहे हैं और पता नहीं सेटल भी हो गए होंगे, क्योंकि जो पापा की डेथ हुई तो आए थे मिलने के लिए, मैं तो ऑडी लेके आ रहा बताओ टीटी ऑडी लेके आया बैंगलोर में प्लॉट था घर बनाया है पापा जी ये था पता चला तो आए वहीं पे अपने घर में रहा ऑडी लेके आया बताओ, और सारे जितने भी हमारे आए थे बोलते भाई ये कौन है ये होता भाई 18 प्रॉपर्टी में जो सोचने से भी बंदा घबरा जाए प्लॉट फिर होता है भाई, इसीलिए तो बंदे गवर्नमेंट जॉब क्यों करता है इसी की वजह से करते हैं, तो पता है भाई कमाई का सोर्स इसी से मिलता है गवर्नमेंट जॉब में, ईमानदार को ईमानदारों की कुछ नहीं है भाई, ईमानदार रहता है ना गवर्नमेंट जॉब में वो एक अपना अपार्टमेंट ही बना पाता है और कुछ नहीं, अपने बच्चों को पढ़ाई कर पाता है और कुछ नहीं कर पाता, बट जो इस एंट्री में घुस जाता है ना तो रिटायरमेंट में तो करोड़ों छापे बैठता है आज की डेट में, अगर उस उनकी अगर प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन निकालेंगे तो मिनिमम 18 प्रॉपर्टी के हिसाब से देखा जाए तो 18 करोड़ तो मान के चलो 18 करोड़ 1 करोड़ का एक प्रॉपर्टी क्या बात कर रहा है, खाली मुंबई वाली जो प्लॉट है ना वो करंट वैल्यूएशन के हिसाब से 60 करोड़ की है, उन्होंने 85 में खरीदा था अराउंड 1.5 करोड़ में 85 में बता रहा हूँ, आज की डेट में 60-65 करोड़ की, और बिल्डर ने उनको अप्रोच भी किया कि जमीन बेचो हम ये अपार्टमेंट बनाएंगे बेचने का, खाली मैं मुंबई की बता रहा हूँ बाकी सोच 18 डिफरेंट सिटी में लिए होंगे क्या क्या हो रहा है साहब, भाई कुछ बंदे होते हैं मान लेते हैं, बट एक चीज़ है कभी भी कहीं पे भी जाते जैसे मैं कोई भी जो भी पापा के रिलेटिव मतलब जो दोस्त वोस्त हैं कभी मिलते हैं बड़े अच्छे तरह से बात करते हैं, बेटा तुम्हारे पापा ने तो एक नाम बना के गए, आज भी कोई ऑफिस
बात होती है ना, बोली जगह बात जरूर होती है, लेकिन उन्होंने एक छाप छोड़ के गया है। सेम चीज़ इसके बारे में कौन ना कोई बोल पाएगा, तो बोलेंगे भाई मतलब पैसा बना ले वाले नीचे नहीं करा पाए, यही होता है डिफरेंस। और आज की डेट में भाई वो जो 85 वाला सिस्टम था 70 वाले थे वो तो गया, आज की डेट में भाई बंदे के माइंड में पैसा ही होता है। आज का तो ईमानदारी बोलना तो मुश्किल है, 100 में एक भी बंदा मिल जाए बहुत मुश्किल से मिल जाए, आज हर बंदा घुस लेता है। जो आज हम लोग इतने ज़्यादा कमर्शलाइज हो चुके हैं ना, हर बंदे को नीट चाहिए चाहिए, अगर आप ईमानदारी से काम करोगे तो एक घर बना दे तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो हर बंदे को पता ही है भाई मुझे अपने घर भी चलानी है, अपने बच्चे भी पालने हैं, तो बंदा घुस ही जाता है इसमें जो भी अभी के टाइम में ज्वाइन कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक 3-4 साल पहले ही एक बंदे ने SBI में ज्वाइन किया है, पता नहीं चला 3-4 साल से ट्राई करे जा रहे आखिर जो उसको लग गया, लगते ही मैच हो चालू लाइफ में निकल। और उसे किस्मत अच्छी है डीमोनेटाइजेशन हो गया, अब नया पैसा सीधा 3 महीने में उसने 6 करोड़ छाप दिए। 3 महीने में सारे ब्लैक मनी वाले जो भी आते थे ना वहाँ पे था कि आप इतना ही कैश ला के एक न्यू नोट में कन्वर्ट कर सकते हो, अंदर ही चालू कर दिया उसने 15-15% 20-20% में, जितना भी परसेंट आप वाइट करोगे मतलब जो न्यू नोट पे करोगे उसका 15% डिपेंड करता था कितना अमाउंट कर रहे हो, अगर 1 करोड़ से ऊपर है 15%, 1 करोड़ से नीचे 20%। तो 5 करोड़ छाप दी 3-4 महीने में भाई, यही है कभी कभी किस्मत के साथ मौका भी मिल जाता है, उसको ठीक टाइम में डीमोनेटाइजेशन हो गया, खुल गया हाथ रख से हो गया। और बैंक वालों के हाथ में भी होता है सब कुछ, वो चाहे जितना कैश निकाल लेना है क्योंकि एंट्री उन्हीं को करनी है। चला भी लेता है गाड़ी तो मेरे भी टेंशन नहीं रहेगी, लेकिन हाँ फोन करता रहियो भाई कि पहुंच गया हूँ या यहाँ पहुंच गया हूँ, जहाँ पे भी है आराम से चला लियो ठीक है, क्योंकि सामान ज्यादा है और कुछ भी हुआ तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ठीक है। वैसे तो प्लेन में कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है, फोटो
बाकी घर वालों को मेरे बारे में मत बताया करो। नहीं नहीं बात बात इतना डिस्कशन नहीं होता। हाँ मत करियो, वही है अभी थोड़ा सॉलिटरी लाइफ रखना पड़ता है। इतना मत सोच, मतलब बंदा जितना खोता है ना उसको उतना पता चलता है, इसलिए बंदा आइसोलेटेड होता है। हर चीज का ज्यादा रियलाइजेशन है दोस्त, वो तो हम मानते ही है, करना पड़ता है। क्योंकि कुछ बंदे होते हैं, जैसे एक होता ना बंदा अनाथ हो जाना ना, उसे की बेनिफिट क्या होता है कि आपको पहले से पता नहीं आपके पेरेंट्स नहीं है, बट जब आपके पेरेंट्स होते हैं और आप ही की गलती की वजह से, आपकी गलती की गलती तो नहीं, मतलब आपकी अनफॉर्चुनेट इवेंट की वजह से आप एक इम्पोर्टेंट मेंबर खो बैठते हो। अब जैसे मेरी सिस्टर है, मेरी सिस्टर की तबीयत खराब चल रही थी, वो कनाडा में थी तब, मैं चाहता था जाके घूम के भी आ सकता था, बट मेरे लाइफ में क्या था, मैं जो ऑफिस में इतने मस्त एंजॉयमेंट के चक्कर में, दोस्ती यारियों के चक्कर में ना, उससे यार मिलने भी नहीं गया। कि क्या होता है ना लाइफ में, बंदा एक ऐसा होता है ना, जैसे मेरे पेरेंट्स के साथ भी हुआ था, मैं साउथ में जाके एंजॉय कर रहा था, क्या कर रहा था मैं साउथ में जाकर, मैं एंजॉय कर रहा था ना, किसी को फ़ोन वोन, डेढ़ साल तक मैंने किसी को फ़ोन भी नहीं किया कभी, तो क्या कर रहा था मैंने, उनको कभी एक्सपेक्ट नहीं थी कि ये मेरे को है, हम लोग को या फाइनेंशियली हेल्प है, उनको चाहिए थी भाई बच्चा है सेटल हो जाए और एटलीस्ट कॉन्टैक्ट में रहे, जो मैंने किया नहीं। डेढ़ दो साल कितने परेशान में रहे होंगे कि कहाँ गया किधर गया क्या करा, तू अपने घर वालों को फ़ोन कर देता है, उनको तसल्ली रहती है, हाँ चलो भाई यहाँ पे है ठीक है। अब एक बंदा अगर डेढ़ साल तक फ़ोन नहीं करता है, क्या बीतरी होगी, सेम सिचुएशन होती है। मेरे मम्मी पापा मेरे जाने के बाद से सिर्फ हर एक महीने में स्टार्ट कर दिए थे, इतना टेंशन में आ गया था कि हर एक महीने में उनको कहीं ना कहीं तीर्थ में जाना ही जाना था। मेरी दीदी जब भी बोलती थी, मैं जब आया, दीदी बोलती तेरे चक्कर में उनके उनके जो जो हेल्थ होती थी दिन ब दिन ख़राब होती थी। तो चीज़ें होती हैं कि लाइफ में तुम्हारी गलती की वजह से कुछ चीज़ें जाती है ना, उसके बाद तुम रियलाइज़ करते हो कि तुम किस किस कुछ चीज़ों के लिए अनलकी होते हो, खासकर फैमिली लेके। बहुत सारे बंदे बोलते हैं लड़की वड़की नहीं रखता, ये नहीं करता, बंदा एक अलग तरह की फीलिंग आ जाती है भाई। बातचीत करना वरना क्यों बंद हो गया मेरा, मैं तो अपने वीडियो फोटो दिखाऊंगा मेरे अपने कॉलेज लाइफ की, अपने स्कूल लाइफ की, देखियो मेरे से ज़्यादा चिचोरा कोई नहीं होगा। बट सिचुएशन आती है, जब चेंज होती है ना, बंदा अपने आप को एक एक अलग तरह से दूर ले जाता चीज़ों से, दो अलग फीलिंग ऐसे आती है कि चलो मेरी वजह से कुछ चीज़ें गलत हो रही है, अब मैं किसी को अपने सराउंडिंग में लाऊंगा अगर कुछ गलत हो। छोटा सा क्या नहीं, बड़ा बड़ा लेक देखते हैं, अगर कोई ऐसा लेक देखते हैं जहाँ पर एटलीस्ट जाके थोड़ा मछली वछली पकड़ने की कोशिश करते हैं, पता लगे थोड़ा ग्राउंड नीचे चलता है ना, और टेंट में लगा के देखते हैं, सेटल वेटल हो गया, फिर उसके बाद उसका मछली पकड़ना स्टार्ट करना। अब तो हो गया, जम्मू कश्मीर क्रॉस कर गए, अब कोई टेंशन नहीं कि जम्मू लेक तेरे फोन चले हैं, फोन चले तेरे फोन या नेटवर्क की कहाँ आती होगी, मैं तो अभी एयरप्लेन मोड कर दिया है, मैं बाई चांस आ जाए साला बॉस का फ़ोन ना बच जाए। ओके कोई ना, हमको बता सकता है साहब। अरे नहीं बात बताने की है, हफ्ता बोल के दो हफ्ता अगर हो जाएगा ना साले भाई, है ना भाई, उनको बताइयो हफ्ते का हमने प्लान करके गए थे, वहाँ पे एम्बुलेंस आ गया, रोड ब्लॉक हो गया चार पाँच दिन के लिए, अब वो थोड़ी ना हमारे हाथ में, ऐसे नहीं होता ना भाई, समझना पड़ता है। आज ये कितना 20 हो गया, 30 तारीख के आसपास तो थोड़ी बहुत हेल्प कर पाएगा फिर किसको लेके, फाइनेंस को लेके, क्योंकि मेरे फिर कार्ड में कम हो जाएगा। ठीक है देखते हैं, तो मेरा एक कार्ड निपटा दे, मैं तो 6 महीने में पूरे कर दूंगा उसके पैसे, फिर मैं घर पहुंच के भी देखूंगा। हां देख लियो, मतलब देख मैं अपने एसेट तो लिक्विडेट ही करूंगा, सब नेगेटिव में चल रहे हैं, बाकी जो प्रॉपर्टी वाला है वो पैसे देने वाला है, अगर वो मुझे पैसे दे देता है तो शायद 6 लाख रुपए देगा, तो 6 लाख रुपए देगा, तो एक्चुअली और एक बंदा भी बोला था उसको भी कुछ पैसे चाहिए थे। देख मुझे एक का अराउंड चाहिए, 80,000 का बिल है, मैं सोच रहा हूँ 80,000 का वो बिल देके 20,000 रुपए घर से लेके 40,000 का मेरा एक्सचेंजर का वो है रिलीविंग, तो मैं वो भी रिलीविंग भी ले लूँगा, ताकि कुल्लू जो जॉब की बात कर रहा है फिर मैं वो जॉब पकड़ लूँगा, और 6 महीने में मैं तेरा पैसा दे दूँगा। तो एक काम करो ना, बल्क में दियो, मंथली मंथली मेरे अकाउंट में डालते रहो। हाँ हाँ, अरे मंथली डालूंगा भाई, सैलरी से ही दूंगा मैं तुझे, मंथली मंथली डालते रहो, तो मेरे ट्रैवल में भी कभी अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं, क्योंकि मैं ट्रैवल करूंगा ऐसे ऐसे जगह में चला गया तो कई मुश्किल हो जाती है, मैं तो आराम से मैं मंथली ही दे सकता हूँ भाई, मेरी तो सैलरी है। ठीक है, बल्क में तो इकट्ठा करूंगा, कोई फायदा नहीं है, पहुँच के मैं बताता हूँ, बता दो, बातचीत करनी पड़ेगी और क्या बोलते हैं बिल्डर से, जो दो बिल्डर पैसे लिए हैं, एक में तो गाड़ी दे दी, चलो ठीक है, अब वो दोनों से पैसे लेने पड़ेंगे। दिल्ली में एक चीज़ तो देखा मैं।
अब पैसे गुड़गांव में फंस भी जाए ना तो बता दियो निकलवाने हो तो जैसे क्या ठीक है अबे नहीं दोनों जो पैसे फंसे ना वो दिल्ली में फंसे दिल्ली में प्रॉपर्टी का बचिया था अच्छा तो वो बसा है बाकी रही देखते हैं बता तो रहे थे कि बंदे गुड़गांव का है नहीं नहीं सब दिल्ली के ही है सब दिल्ली के ही है प्रॉपर्टी मैंने दिल्ली में लिया था गुड़गांव में इसलिए नहीं लिया था कि गुड़गांव में ऑलरेडी मैंने दोस्त बताया था उसने 2011 में एक जमीन खरीदा था गुड़गांव में और यूएस चला गया था जॉब में तो घर बन गया हाँ जब वो वापस आया तो किसी ने मतलब कोठी बना दिया उसने आके बोला भाई ये मेरी जमीन है बोला घर तोड़ के ले ले ऐसा है अब पुलिस वुलिस के पास गया पुलिस वुलिस घुमा रहे हैं कुछ नहीं हो पा रहा है तो वही पंगा है तो इसी वजह से गुड़गांव में लेना ही नहीं था मुझे अब फिर भी मैं तो बसड़ भी किस्मत इतनी खराब है दिल्ली में भी चलो जीपीए प्रॉपर्टी में घुस गया पक्की रजिस्ट्री पे अगर तुम लोग है ना तो ये है कि तुम्हें वहाँ पे ना कोई ना कोई बिठाना पड़ेगा गुड़गांव में गुड़गांव में वो हड़प के जा जल्दी है हड़प तो और गुड्डा कर दिए भाई सीधा सीधा उस बंदे को बोल रहे हैं भाई आके ले ले घर तोड़ के ले ले मैं तो क्या करें हो गया थाने के पास पुलिस में बोला पुलिस वाले कुछ नहीं हो गया भाई 2 साल हो गए कुछ नहीं हो पाया उसका अभी भी चक्कर लगा रहा है कोर्ट के तो चीज़ें होती है वो बंदा जो बंदा रहता है यूएस में जॉब करता है उसमें टाइम नहीं होगा भाई रेगुलर थोड़े ना आके करेगा कुछ मुश्किल है वो अपने कोर्ट है बोल एक और बदमाश पकड़े क्योंकि प्रॉपर्टी उसके नाम पे है ना उसको डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी बेच दे हाफ प्राइस में पैसा कुछ तो मिलेगा कुछ ना से हाफ तो मिलेगा वो आपस में निपट लेगा वो उससे ले लेगा पैसे तो उसको जितना पैसे भी वो बोले ना एक बदमाश को ही बेच दे इसमें पुलिस में कुछ नहीं करती भाई मेन पक्का हुआ है ना मतलब थोड़ा सिंपल टाइप का बंदा है नहीं नहीं कोई टेंशन नहीं बाहर पढ़ाई कर मतलब बाहर टाइम पैसे लो रजिस्ट्री लो उसके नाम करो और अपना पैसा लेके हो जाओ आराम से उसकी बसड़ ये थी कि वेंचर एक गुड़गांव की लड़की के साथ प्यार हो गया था उसी के चक्कर में वो थोड़ा सेटल वेटल होने के लिए बोला यहाँ जमीन खरीद लूंगा तो कल को अगर शादी वैसी हुई तो वो भी उसके घर के पास रहेगा ये वो करके ले गया था और भी मिल सकते मतलब बंदे के ऊपर डिपेंड है कि कौन लेगा प्रॉपर्टी तो बेच भी नहीं सकता क्यों कोर्ट केस चालू हो गया ना डिस्प्यूटेड होगी ना कोई दिक्कत नहीं है बेच सकते हो वो अगले की हेडेक होती है जो खरीदेगा इसीलिए तो हाफ प्राइस देगा अगर हेडेक नहीं है तो फुल प्राइस दे देगा खाली तो कभी भी करा ले उसकी तो बदमाशी है अभी सारे बदमाश आपस में सब जानते हैं ठीक है तो अगर एक छोटा है अगर उसके बड़े वाले को बेच दिया बड़े वाला तो चाहेगा ना प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ही है उसने हाफ प्राइस में बेच दिया अपने आप खाली करा देंगे जून जुलाई के बाद कार में आना ना फट जाएगी
नदी तो बड़े बड़े पत्थर निकलेंगे ऐसे ऐसे करके।